अखिल भारतीय बुद्धिजीवी सम्मेलन बुद्धिजीवियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में उत्तर प्रदेश रन अवार्ड से सम्मानित हुए वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड मिलने पर उनका स्वागत और सम्मान किया। सभी के चेहरों पर खुशी की झलक देखी गई। फूलमालाओं से स्वागत करते हुए मिठाई भी खिलाई गई। वहीं फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष राशिद खान ने बताया कि वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को जो उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये बुंदेलखंड की धरा से एक ऐसे लाल को दिया गया है जो अपने क्षेत्र के हर वर्ग के साथ बिना भेदभाव के साथ हमेशा तत्पर रहता है और हर व्यक्ति के सुख दुख में अपनी भागीदारी देता है। ये हमारे लिए सौभाग्य का पल है। हम ऐसे लाल का स्वागत एवं सम्मान करते हैं। इस मौके पर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। संदीप जी, क्या उपलब्धि रही है कि लोग आपको इतना चाहते हैं और ये भाई लोग आए हुए हैं, किस पर्पस से आए हैं बताइए। बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के मेंबर हैं ये लोग और सैकड़ों की संख्या में मेंबर हैं और हमारे संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में जो हमें उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार मिला है उसके लिए ये लोग हैं। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, प्यार देने के लिए इस सबके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन यह पुरस्कार की वास्तविकता ये है कि झांसी में कोई भी पुरस्कार जब हमें मिलता है तो वो पुरस्कार हमारा खुद का नहीं होता, वो हमारे पूरे झांसी वासियों को होता। इसकी वजह है ये कि ये लोग सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं इस बात को। अब मैं तो इन्हें मना करूंगा नहीं सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये जगह जगह जो व्यवस्थाएं हैं झांसी में, चूंकि ये यूथ लोग हैं सैकड़ों की संख्या में हैं, इन लोगों का मन था कि इसे बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाए, तो संघ सेवा समिति के ऑफिस में आकर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। झांसी से धीरज शिवहरे की रिपोर्ट।